पांचवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मद्देनजर और आम जनता को योग के प्रति जागरूक करने को लेकर साइबर सिटी गुरुग्राम में योग मैराथन का आयोजन हुआ। मैराथन को मिस्टर इंडिया 2017 और फिटनेस मॉडल लोकेश राजपूत माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली शिवांगी पाठक ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 5 किलोमीटर लंबी योग मैराथन का आयोजन हुआ है और साथ ही आपको बता दें कि मिस्टर इंडिया 2017 लोकेश राजपूत ने हरी झंडी दिखाई। स्कूली बच्चों से लेकर बुजुर्गों में उत्साह देखा गया और सभी इसका हिस्सा बने। योग मैराथन का आयोजन यहाँ पर हुआ। हाथ सामने के, अब पैर मिला दो, हाथ नीचे। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, 5 किलोमीटर लंबी योग मैराथन हुई और तैयारियां पूरी कर ली गई है। आपको बता दें 21 जून को जो है योग दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। हरियाणा में भी अलग अलग जगहों पर मनाया जाएगा। तो योग दिवस से पहले योग मैराथन यहां पर हुई है और करीबन 5 किलोमीटर लंबी ये योग मैराथन थी। गुरुग्राम की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, साइबर सिटी गुरुग्राम की, जहाँ पर छोटे बच्चों से लेकर बड़े बूढ़ों तक हर किसी ने हिस्सा लिया इस मैराथन में। और योग दिवस से पहले ये योग मैराथन हुई है। करीबन 5 किलोमीटर लंबी ये योग मैराथन रही और गुरुग्राम की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर योग दिवस मनाया जाएगा। लेकिन उससे पहले योग मैराथन का आयोजन हुआ ताकि पहले से ही लोग जागरूक हो जाएं और 21 जून को एक बड़े स्तर पर जो है इसे मनाया जा सके। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाना है और उससे पहले तमाम तैयारियां जो है हरियाणा की अलग अलग जगहों पर कर ली गई है। छोटे बच्चे भी एक संदेश देते नजर आ रहे हैं, चाहे छोटे बच्चे हो या फिर बड़े बूढ़े हो, हर कोई यहाँ पर मौजूद था और हर कोई इसका हिस्सा बना। लोकेश राजपूत, इन्होंने हरी झंडी दिखाई इस मैराथन को और करीबन 5 किलोमीटर लंबी ये मैराथन चली है। तो योग दिवस मनाया जाना है 21 जून को और उससे पहले योग मैराथन का आयोजन यहाँ पर किया गया। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए सुनील यादव, ब्यूरो चीफ गुरुग्राम से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सुनील, आपसे हम जानना चाहेंगे क्या तैयारियां हैं 21 जून को गुरुग्राम में मनाया जाना है योग दिवस। फिलहाल की अगर बात की जाए, पहले भी योग मैराथन हुई और अब आगे क्या तैयारियां हैं? बिल्कुल शीनम, ये योग मैराथन आज सुबह 6 बजे ही आयोजित की गई थी, जिसमें सैकड़ों बच्चों ने ना केवल भाग लिया बल्कि बड़े बुजुर्ग भी इस पूरी मैराथन में शामिल हुए। इसके अलावा ताऊदेलाल स्टेडियम में ही आज योगाभ्यास भी किया गया, जिसमें हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। और अनुमान है कि कल जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा तो तकरीबन गुरुग्राम के 15,000 निवासी जो हैं वो इस योग दिवस में शामिल होंगे और योगासन करेंगे। अभी तक जो सरकारी आंकड़ा है उसके मुताबिक कल शाम तक 12,000 लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में हिस्सा लेने के लिए। और जो प्रशासन का अनुमान है वो 15,000 तक है कि 15,000 की संख्या में लोग आएंगे योगासन करने के लिए। आज पूरे जोर शोर से लोगों ने योगाभ्यास भी किया उससे पहले, और कल जब योग दिवस मनाया जाएगा तो केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह इस पूरे जो आयोजन है उसमें शामिल होंगे। इसके अलावा जो भी विधानसभाएं गुरुग्राम जिले में आती हैं, चारों विधानसभाएं, उनमें भी विधानसभा स्तर पर भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा और लोगों को हिस्सा दिलाया जाएगा योगासन में। लोगों को जागरूक करने के लिए आज सुबह जब ये मैराथन निकाली गई तो गुरुग्राम के ताऊदेवीलाल स्टेडियम से जो 2017 मिस्टर इंडिया रह चुके हैं और फिटनेस मॉडल भी हैं लोकेश राजपूत, साथ ही माउंटेनियर जो कि माउंट एवरेस्ट को फतेह कर चुकी है शिवांगी पाठक, उन्होंने इस मैराथन को हरी झंडी दिखाई और ताऊदेवीलाल स्टेडियम से निकलकर ये मैराथन गुरुग्राम के बख्तावर चौक गई और बख्तावर चौक से वापस इसका समापन जो है ताऊदेवीलाल स्टेडियम में किया। कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक करने की कोशिश है कि योग को लेकर
लेकर लोग जागरूक हों, क्योंकि योग एक ऐसा हिस्सा है हमारे जीवन का कि अगर उसको रोजाना नियमित रूप से किया जाए तो इंसान जो है वो पूरी तरीके से स्वस्थ रह सकता है, उसकी निरोगी काया रह सकती है। जी शीनम, बिल्कुल सुनील, वैसे तो योग की जरूरत हर किसी को होती है, चाहे छोटा बच्चा हो या फिर कोई बड़ा बूढ़ा हो। लेकिन यहाँ की अगर बात की जाए, जिस तरीके से आपने बताया करीबन 15,000 लोगों की व्यवस्था की गई है, ऐसे में क्या बड़े बूढ़ों के लिए या फिर जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए कुछ अलग किया गया है? देखिए, यहाँ पर जब कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा तो उसके लिए तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो कर ली गई हैं। अगर किसी को कोई परेशानी होती है तो उसके लिए डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर लगातार मौजूद रहेगी। उसके अलावा जो क्रिकेट स्टेडियम है उसमें मैट बिछाए गए हैं, उस पर बैठकर लोग योगासन करेंगे। सुबह से ही सुबह 6 बजे का कार्यक्रम रखा गया है, जब पूरे देश भर में ना केवल बल्कि विश्व में योग दिवस मनाया जाएगा। उस दौरान गुरुग्राम में भी तकरीबन 15,000 लोग इस योग दिवस का हिस्सा बनेंगे और जो योगासन है वो तरह तरह के जो योगासन है उनको करेंगे और लोगों में कहीं ना कहीं एक जागरूकता फैलाने की कोशिश है कि इस योग को न केवल अंतरराष्ट्रीय योग दिवस तक ही सीमित रखा जाए बल्कि जो आम इंसान है वो इसको अपने नियमित जीवन में अपनाए और ताकि जो उनकी जो शरीर की जो बीमारियां हैं वो कम से कम हो सके और उनको निपटारा करने में कहीं ना कहीं योग जो है जिस तरीके से मदद करता है बीमारियों को खत्म करने में, उसको कहीं ना कहीं अपनाने की कोशिश है, उसकी जागरूकता फैलाने की कोशिश है। इसीलिए जो जिला प्रशासन है वो बड़े स्तर पर कल योग का आयोजन करेगा। जी शीनम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सुनील यादव गुरुग्राम से ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़े थे और तमाम जानकारी उन्होंने दी कि आखिरकार 21 तारीख को क्या कुछ रहने वाला है और 21 जून को योग दिवस गुरुग्राम में मनाया जाना है और इससे पहले योग मैराथन का आयोजन हुआ, सैकड़ों लोगों ने योगाभ्यास किया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है 21 जून को योग दिवस मनाया जाएगा।